What's up guys, हम हैं आपके जुड़वा सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो अमित बडाले के साथ जो ट्रैक आया था कोलैब में, उसके बाद मतलब काफी टाइम बाद भाई का सिंगल सोलो, हाँ। मतलब सोलो ट्रैक आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, खुद का सब कुछ है कि नहीं, तो वो तो कोलैब था, तो बहुत टाइम बाद है, मुझे लगता है कि बहुत मतलब बढ़िया रहेगा, बिल्कुल ठीक है, मजा आने वाला है, और देखते अभी आगे क्या होता है। वन शॉट वन टेक में अपन क्या बता सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे आप, और हमारा काम है रिव्यू, बिल्कुल रिव्यू करना, रिएक्शन हाँ। वाला काम नहीं है, बिल्कुल। तो अगर हम लोग कुछ चीज की बुराई करते हैं या गाने की तारीफ करते हैं, तो वो सच में काबिले तारीफ होगा गाना, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग रिव्यू क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग भी कुछ म्यूजिक पढ़ के बैठे हैं, यहाँ रिएक्शन नहीं करते, ऐसा रिव्यू सेक्शन, म्यूजिक सेक्शन, ये सब कुछ पता है हमको, बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम लोग म्यूजिक के बारे में और गाने के बारे में बता, मतलब वीडियो के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने वो पढ़ाई की है, आप समझ रहे हो ना। तो चलो आज देखते हैं क्या अच्छा ये है और क्या बुराई है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को शेयर करना। तो जो नए नए प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक मतलब समझ रहे हो ना, उनको पता चलेगा भाई, बिल्कुल ऐसा है। चलो लगा द गोरिल्ला बाउंस, अच्छा वही एल्बम से, ठीक है लगा, चल लगा। ओके वही मैंने लोगों के भी बीच खड़ी देखी तन्हाई, जितनी कमाई उतनी ही वाहवाई, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, दिल जितने की दिल से ही गई और कर दी चढ़ाई, कल्ला भूखा बैठा रहा कई दिन तक, मेरी खुशी होए सोचे चले गया लक, मैंने जाने के ये सारे मुंह मारने को छोड़े, क्योंकि कुत्तों के हिस्से का शेर खाता नहीं हक, ग्रुप बना के साड़े कर दे बुराई कदे, गैंग असली ना के चकले, दो चार दिन दिए टेम्पररी हाइप, एनू काका सांभ के तू रख ले, और आया मेरा कई बंदे भुक गए कभी, फिर मेरे सामने नहीं टकरे, वो क्या सच से निभाई यारियां हो जिन्हें खुद के ईमान से ही खतरे, और आया मेरा कई बंदे भुक गए कभी, फिर मेरे सामने नहीं टकरे, वो क्या ही सच से निभाने यारियां हो जिन्हें खुद के ईमान से ही खतरे। यार जुआ यार, एक मिनट पॉज करना चाहता हूँ, ये लिरिक्स जो है ना, आप रिलेट क्यों कर सकते हो, मैं बता, आप बीती है उसकी, हाँ। आप बीती बता, आप बीती समझते हो ना, जिसके ऊपर गुजरती है ना, मतलब हम जैसे किंग भाई जैसे, हम जैसे लोग जो है ना, जो मतलब जो इग्नोर करे वाले लोग जो रहते ना, बिल्कुल, उसके बाद जो खुद का खड़ा करते धीरे 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 उनके मुंह से ऐसी बातें निकल में आती है, क्योंकि ये लोग फेस करते हैं सब चीजें, आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल सब फेस किया है, इग्नोरेंस फेस किया है, घर वालों से गालियां सुनी आ रहे, बहुत सारी चीजें, अपनों ने छुरा भोका, हाँ। वो देखा है, मतलब, और ये भी गाना कहीं ना कहीं वैसा ही है, हाँ ना? है उसकी, तो उसके दिल हाँ। निकाल के, हाँ। तुम देखा वो दिल निकाल के, हाँ। नाइस मैन, नाइस, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा, आगे देखते लिरिक्स बहुत अच्छी है किंग भाई, बहुत बढ़िया, मतलब, और एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, इस बार तू भाई का सिंगिंग बोले तो ये देखा क्या, सिंगिंग देखा बोले तो जो बोल रहे, हाँ सिंगिंग तो है, चल रहा है, हाँ उतना ये नहीं लग रहा, ठीक है, हाँ चल। प्यार जुआ है पूरे ना इंसाफी, छीन लिया नेकी जिसने बांट दिया पापी, मैं बांट आया सब फिर क्या ही चलाकी, जिंदगी जो मेरी कभी किसी ने ना झांकी, दूर से ही खड़े मुझे देख रहे, ये छू नहीं सकेंगे इतनी दूरियां बना दी, मैं कला दुखी बैठा रहा कई दिन तक, बेरी खुशी होए सोचे राजा गया तक, मैंने जाने के ये सारे मौका मारने को छोड़े, ताकि पता चले थाली में था छेद कहां तक, वक्त बनाता कोई बनदानी बैठी अदा कोट ता दुनिया ही बोल दी, माइंड न करी मेरे हत्ता छे मशूक का छातियां पूछ के नहीं खोल दी, और आया मेरा कई बंदे भुक गए कभी,
सामने नहीं टकरे वो क्या ही सच से निभाने यारियां हो जिने खुद के ईमान से ही खतरे और आया मेरा कई बंदे फुक गए कब फिर मेरे सामने नहीं टकरे वो क्या ही सच से निभाने यारियां हो जिने खुद के ईमान से ही खतरे प्यार तू मांगे ते वफा जाने मन मेरा ध्यान बातों में ना रखा जाने मन सुन की गलियों में फिरता मैं रोज मुझे तेरे भी सहेलियों ने तखा जाने मन इल्ज़ाम मेरा मैं ना तेरा हुआ ये भी घाव मेरा तूने छेड़ा हुआ तो से ज्यादा सच्चा पैसा मुझे लगता है गाना कभी मेरा हुआ खेलिए मेरे सामने कैसे कर जाती हो एक दिल को सब में बांट के कैसे रह पाती हो यार बतेरे मेरी बस एक माई जेब देख के प्यार नहीं कर दी नाम और शोहरत और मोटी है कमाई तीनों राजा की बाहों में मरती और आया मेरा कई बंदे भूख गए कभी फिर मेरे सामने नहीं टकरे वो क्या ही सच से निभाने यारियां हो जिने खुद के ईमान से ही खतरे और आया मेरा कई बंदे भूख गए कभी फिर मेरे सामने नहीं टकरे क्या ही सच से निभाने यारियां हो जिने खुद के ईमान से ही खतरे Well, I guess there's nothing for us to worry about. We're the ones that have the bomb. Oh, nice. Nice. You already know what it is. It's King's Clan, baby. Ain't nobody can stop us right now. King is in the building. Whoa. Okay. सिंगिंग की अगर बात करें ना निशुद क्या पहले से तो बहुत अच्छा है हाँ पहले से बिंदास बिल्कुल क्या ठीक है ठीक है और दूसरी बात यह है कि वो लचक चाहिए समझ रहा क्या मतलब वो जो स्वीटनेस रहता है ना मैंने जो पुराने ट्रैक सुने ना हाँ हाँ उसके हिसाब से अभी का बोल रहा हूँ मैं पुराने एकदम पुराने के हिसाब से अभी की सिंगिंग में अच्छा ये बोलना चाह रहा हूँ बट वो स्वीटनेस आ गया ना अगर स्वीटनेस जैसे कि तो ये जो है इस लाइन में जो स्वीटनेस चाहिए थी हाँ मतलब एक फील रहता गाने के वक्त भी एक फील रहता तो ऐसे लगता कि फ्लैट गा रहे बिल्कुल बिल्कुल और अगर लिरिकली बात करें तो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आप भी थे बिल्कुल और कॉन्सेप्ट अपने एक मिनट में यहाँ पे देख लेता हूँ सब कुछ लिरिक्स एंड कंपोजिशन किंग का ही है बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया है कंपोजिशन काफी अच्छा है काफी अच्छा कंपोजिशन है काफी अच्छा लिरिक्स है बाय सेक्शन 8 ओके बहुत भाई के बहुत गाने कर चुका है म्यूजिक चल रहा था सिर्फ बीच में अगर मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट लगा तो वो जो एक पर्कशन आया था ऐसा कुछ था वो बहुत अच्छा लगा था बाकी म्यूजिक रेगुलर है जो अपन ऑलमोस्ट सुनते हैं हर जगह सुनते हैं अच्छा ठीक है एडिट एंड कलरिस्ट वो तो अभी देख रहे दिलप्रीत वीएफएक्स मेरा भाई है दोस्त क्या बात है तो काफी अच्छा भाई बहुत अच्छा कलर से लेके वीएफएक्स एडिट सब एक नंबर की है भाई बहुत अच्छे से कॉस्ट्यूम्स भी अच्छे हैं और चित्ती भाई अपने डायरेक्टर और डीओपी दोनों भी वही है अच्छा जो काफी अच्छा काम किया इन लोगों उन्होंने वीडियो कॉन्सेप्ट बैकिंग है ठीक है तो मैं अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट जो है आपने देखा होगा बहुत सारी गानों में ऐसा एक अरे वो ऐसा एक मेरे को अभी रिसेंट देखा था करण औजला रिसेंट नहीं पुराना ये वो गाना नहीं मैंने अपने रिव्यू अभी किए थे ऐसा बोल सकते हैं कि करण औजला का एक 2AM गाना है उसमें भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है बिल्कुल 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 मुझे याद आया बिल्कुल 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 मुझे तो लगा क्योंकि वो लड़की भी नहीं क्या उसमें भी वैसा ही होता है बिल्कुल अब दूसरी बात ये है कि कॉस्ट्यूम्स अच्छे थे यार बाय मयंक बढ़िया अच्छे कॉस्ट्यूम्स है भाई बढ़िया तो मैं लिरिक्स की ज्यादा तारीफ करूंगा क्योंकि लिरिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग था गाना और हाँ और एक बात बोलना चाहूंगा मैं वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ गई है बहुत अच्छी बढ़ गई है किंग भाई के अच्छी बोला तू किंग भाई के वीडियो की क्वालिटी बढ़ गई बढ़ गई मैं ये बोल सकता हूँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है बाकी देखने में अच्छा लग रहा है सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं तो पहले कैसा बस एक कैमरा गिम्बल लेके चल दो बस इधर उधर उधर कर लो खत्म हो गए बात एक ड्रोन शॉट ले लो तीन चार बट ये जो प्रॉपर लाइट वाइट सेट करके प्रॉपर मुझे प्रॉपर प्रोडक्शन दिखाया है बिल्कुल इसके पहले भी वो गाना था किंग भाई का वो अब जिसका डीपी लगा है वो भी अच्छा कैसीनोवा कैसीनोवा उसका भी
तो गाइस ये था हमारा वन टेक रिव्यू, अगर कुछ छूट गया होगा तो माफ करना, और ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, पीस आउट। Na 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 na